श्री राम, जय जय श्री राम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं, जिनमें एक नाम सबसे आगे रहता है, महंत परमहंस आचार्य। एक बार फिर इन्होंने दावा किया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। 2024 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की है, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली। आपको बता दें कि हिंदू जन जागरण पद यात्रा के तहत भिवंडी में हिंदू समाज द्वारा ये रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर स्थानीय लोग शामिल हुए थे। ये रैली भिवंडी मड़ई से गणपति मंदिर से शिवाजी चौक तक निकाली गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर परमहंस आचार्य ने सहभाग लिया था। इस दौरान परमहंस आचार्य ने दावा किया कि भारत को वो जल्द ही हिंदू राष्ट्र बना देंगे। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध यहीं से होगा और भारत हिंदू राष्ट्र 24 के पहले घोषित कराएंगे। परमहंस का दावा था कि कुछ लोग भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी इस मुहिम के खिलाफ और सभी हिंदुओं को जागृत करने के लिए वो जगह जगह पर रैली निकाल रहे हैं। लगाएंगे, पता नहीं क्या लगा दे भैया, इसलिए इनसे किसी तरह के लिए। और 2024 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास करेंगे। सरकार से हमारी वार्ता हो चुकी है और मेरा ये वादा है, भगवान चाहेंगे तो इसी महाराष्ट्र की धरती पर मैं आंदोलन करूंगा। 7 नवंबर 2023 इसी महाराष्ट्र की पावन धरा, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध यहीं से होगा और भारत हिंदू राष्ट्र 24 के पहले घोषित कराएंगे। सरकार को हमने लिख के भेज दिया है कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करिए। जो लोग उपद्रव करेंगे इनके लिए हम लोगों ने बड़ी तैयारी किया है, बड़े ढंग की। और अगर ये जिहाद और आतंकवाद से बाज नहीं आए तो शुक्रवार के दिन इनका अंतिम दिन होगा। जय भवानी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। और आदरणीय बंधुओं, न डरना है न झुकना है, आगे बढ़ना है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। और आपको एक और गोपनीय बात बता रहा हूं, 24 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, 27 तक भारत जो है तो सभी जितने हैं एक भी आपको जो है मुल्ला ईसाई नजर नहीं आएगा, सब घर वापसी कर लेंगे। 29 तक भारत अखंड हो जाएगा, जो भी भाग अलग